अहम् ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। आज इसी भाव पर हम ध्यान करेंगे। आज मैं आप सभी के साथ रहकर ये ध्यान आपको करवाने वाला हूं। ये ध्यान इतना शक्तिशाली है जिसमें आप अपने वास्तविक रूप को अनुभव कर सकते हैं। जो मित्र आज इस ध्यान में उतरने वाले हैं, उनके लिए जरूरी है कि अपनी पूरी ऊर्जा का प्रयोग करें। अगर अभी मन में इधर उधर के विचार चल रहे हैं, अगर आपको लगता हो कि अभी आपका ध्यान बंटा हुआ है, तो इसे अभी यहीं छोड़ दें। कोई भी समय की पाबंदी नहीं है, आप इस ध्यान को किसी भी समय कर सकते हैं, बस आपका भाव महत्वपूर्ण है। बहुत जरूरी है कि आपके रोम रोम में ध्यान की प्यास जाग रही हो। बहुत जरूरी है कि आप स्वयं के बारे में जानने को उत्सुक हो, क्योंकि आप जो अपने को समझ कर बैठे हैं, वो केवल आपका शरीर है, आप नहीं। वास्तव में आप क्या हैं, यही जानना आज के ध्यान का उद्देश्य है। सबसे पहले अभी से, ठीक अभी से, जबकि मैं आपसे बोल रहा हूं, अपने को आप ध्यान की अवस्था में लाना शुरू कर दें। मेरे शब्दों पर अपने पूरे ध्यान को केंद्रित कर दें, ताकि ध्यान के समय जब आप एक अनूठे संगीत पर ध्यान करें, तब तक आपकी पूरी तैयारी हो सके। अपनी सांस को धीमा कर लें, जितना हो सकता है उतना धीमा और गहरा करना है। सांस को इतना धीमा कर लेना है कि आपको पता ही ना चले कि आप सांस ले रहे हैं। जब सांस को अंदर खींचें और जब बाहर छोड़ें, दोनों ही समय सांस को धीमा रखना है, लेकिन गहरा रखना है। ध्यान करने से पहले इस ध्यान को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपके मन की आवश्यक तैयारी हो जाए और आप पहले ही जान लें कि किस ऊर्जा को आपने अपने भीतर अनुभव करना है। जहां अभी आप हैं उसे जान लेना, फिर जहां आपको पहुंचना है उसे भी जान लेना। इस ध्यान के संगीत की ऑडियो भी आप मंगवा सकते हैं, जिसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। जैसे आप कभी किसी सिनेमा हॉल में एक फिल्म देखने जाए, जब तक फिल्म शुरू नहीं होती तो एक खाली पर्दा आपके सामने है, तब तक आप जानते हैं कि स्क्रीन बिल्कुल खाली है। फिर जैसे ही फिल्म शुरू हो तो आप किसी फिल्म के पात्र में अपने को समाहित कर लें। एक तरह का आत्म सम्मोहन, आप भूल ही जाएं कि आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं। आप अपने को पर्दे पर जो रंगीन रोशनी से एक छवि बन रही है, उसी को समझ लें कि ये आप हैं। ठीक वही हालत आपकी है। जो कुछ भी संसार में दिखाई पड़ रहा है, वो केवल एक भ्रम है, माया जाल है जिसमें आप उलझे हैं। जब भी कभी आप अपने को जान पाते हैं, तो आपका अनुभव यही होता है, अहम् ब्रह्मास्मि। वास्तव में आपके अतिरिक्त और कोई भी परमात्मा नहीं है। ठीक एक फिल्म की कहानी जैसी ही आपकी एक कहानी, जिसे आप वास्तविक मानकर चल रहे हैं। जैसे रात में
आप कोई स्वप्न देखो। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये एक सपना है। आप सपने में बहुत कुछ ऐसा भी देखते हैं जो कि आपके स्वाभाविक जीवन में बिल्कुल ही असंभव है। जैसे कि कुछ व्यक्ति अपने को आसमान पर उड़ते हुए देखते हैं। जागृत अवस्था में आप कभी इस पर विश्वास ही नहीं कर सकते, लेकिन सपने में ये सब आपको बिल्कुल स्वाभाविक दिखाई पड़ता है। आपको बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। आपको कोई हैरानी नहीं होती। तीन अवस्थाएं हैं आपकी। पहली है जागृत अवस्था, दूसरी है स्वप्न और तीसरी सुषुप्ति। जागृत अवस्था आप जिसे समझते हैं उसमें भी अधूरा ही जागरण है। आप लगभग सोए सोए ही जीते। स्वप्न को भी आप समझ नहीं पाते। स्वप्न के समय भी आपको सब कुछ वास्तविक प्रतीत होता है। फिर जब आप सोए होते हैं, तब तो बिल्कुल ही सोए होते हैं। तब तो आपको ये भी पता नहीं चलता कि आप मौजूद भी हैं। सुबह नींद खुलने पर ही आपको अपना अनुभव होता है। ये तीन अवस्थाएं, जो व्यक्ति इन तीनों अवस्थाओं को होशपूर्ण जान लेता है, जब जागता है तो भी जानता है, जब स्वप्न में होता है तो जानता है कि ये स्वप्न है। सपने में भी सपने को पहचान पाता है, जानता है कि सपना देख रहा है। जब सोया है तब भी जानता है कि अब वो सोया हुआ है। तीनों अवस्थाओं में होश रख पाता है। वही व्यक्ति एक चौथी अवस्था को प्राप्त करता है, जिसे तुरीय अवस्था कहा गया है। यही वो अवस्था है जबकि आप जान पाते हैं कि आप शरीर नहीं हैं। आप केवल एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, जिसे आत्मा कहा जाता है। लेकिन मैं आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि आत्मा कहते ही आपकी मिथ्या धारणाएं, जो कि आत्मा के संबंध में आपने अपने मन में निर्मित की हुई, उन्हीं में आप उलझ कर रह जाएंगे। इसलिए आज इसे केवल ऊर्जा ही समझें। इसे समझने में भी आपको आसानी होगी। वही ऊर्जा जो आपके भीतर से बोलती है, वही ऊर्जा जो आपके पैरों से चलती है, वही ऊर्जा जो आपके कानों से सुनती है, वही ऊर्जा जो आपकी बुद्धि से समझती है, वही ऊर्जा जो आपके शरीर से बाहर निकल जाती है तो आपका शरीर मृत हो जाता है। केवल शरीर मृत होता है, आपकी ऊर्जा नहीं। ऊर्जा फिर से एक नए शरीर को हासिल करती है और एक नए जीवन में, या कहें कि एक नए सपने में खो जाती है। फिर से एक नया सपना शुरू हो जाता है, और जब टूटता है तो ऊर्जा अपने शुद्ध रूप में होती है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने कहा, फिल्म शुरू होने से पहले भी पर्दा खाली है और फिल्म समाप्त होने पर भी पर्दा खाली है। वही खाली पर्दे को अनुभव कर लेना, ये जान जाना कि आप वो पर्दे के पात्र नहीं हैं, आप तो केवल एक दर्शक हैं। तमाशा हो रहा है और आप देख रहे हैं। जब कभी आप फिल्म के भीतर ही सिर उठाकर, पर्दे से नजरें हटाकर अपने चारों तरफ का अवलोकन कर ले, अपने भ्रम से बाहर आकर कभी आप सिनेमा हॉल की छत और दीवारों को देख लें और अपने को एक दर्शक जान लें। जीवन में इसी अवस्था को जान लेना ही जाग जाना है। कभी आप ख्याल करें, सिनेमा में जाएं तो सिनेमा के पर्दे को ठीक से देख लें।
आप जानते हैं कि ये पर्दा इतना ही बड़ा है, पर्दे के साइज में कोई बदलाव नहीं होता, ना वो बड़ा होता है ना कभी छोटा होता है, वो जितना है बस उतना ही है। लेकिन उस पर चल रही तस्वीरें कभी कभी बहुत छोटी होती तो कभी बहुत बड़ी, कभी तो आपको हजारों किलोमीटर का एरिया दिखाई पड़ जाता है, हिमालय की पूरी श्रृंखला दिखाई पड़ती है, पूरा ब्रह्मांड पर्दे पे दिखाई पड़ता है, कभी कभी केवल एक आंख ही इतनी बड़ी होकर पूरी स्क्रीन पर छा जाती है। आपका मन उसी के अनुरूप में उसे देखता है। आपको कभी हैरानी नहीं होती कि इतनी बड़ी आंख कैसे हो सकती है, या केवल एक चेहरा जो पूरी स्क्रीन पर है उसके बाकी शरीर का कुछ पता नहीं, इतना बड़ा चेहरा, आप पूरी तरह से भ्रमित होते हैं। ठीक जीवन में भी यही भ्रम चलता है। जो कुछ जैसा दिखाई देता है, जैसे आप अपने को देखते हैं, यहां वैसा कुछ भी नहीं है। यहां केवल और केवल एक ऊर्जा है। जितना खेल आप देख रहे हैं ये सारा ऊर्जा का ही खेल है। चाहे आप हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे पेड़ पौधे हों, या फिर पहाड़ नदियां और झरने, सब कुछ वास्तव में एक एनर्जी का ही रूप है। आज से पहले साइंस इस एनर्जी को मानने को तैयार नहीं थी। मेडिकल साइंस कहती थी कि हमने इंसान के शरीर के जर्रे जर्रे को काटकर देख लिया, हमें तो कहीं कोई आत्मा दिखाई नहीं पड़ी। फिर ये अध्यात्म किस आत्मा की बात करता है? हम तो जब तक अपनी आंखों से आत्मा को देख नहीं लेंगे, जब तक अपनी लैब में आत्मा का विश्लेषण नहीं कर लेंगे, उस पर सारे प्रयोग नहीं कर लेंगे, तब तक आत्मा को नहीं मानेंगे। ये ठीक ऐसा ही तर्क था जैसे कभी कोई किसी ऑडियो कैसेट में, या फिर आजकल के किसी चिप में, जिसमें के बहुत से गीत और संगीत रिकॉर्ड किए गए, जब हम उसे प्ले करें तो हमें गाने सुनाई दें, लेकिन हम कहें कि हम तो इस चिप को तोड़कर देखेंगे, इस चिप से गाना बाहर निकाल कर दिखाओ, कहां है गाना? गाना अलग रखा हो और चिप अलग रखी हो तभी हम मानेंगे कि हां इस चिप में गाना है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। गाने को देखा नहीं जा सकता, गाने का कोई आकार नहीं है, गाना सूक्ष्म ठोस नहीं, उसे सुना जा सकता है, उसका आनंद लिया जा सकता है, लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता। वो केवल एक ऊर्जा है, लेकिन आज की क्वांटम साइंस ये बहुत अच्छे से समझ पा रही है कि यहां जो कुछ भी संसार में संपूर्ण सृष्टि में दिखाई पड़ता है, ये ऊर्जा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। आज तक जिस पदार्थ को साइंस जड़ मानकर चल रही थी, बेजान मानकर चल रही थी, उसके बारे में भी पता चलता है कि सब कुछ चेतन है, सब जगह ऊर्जा मौजूद है। आज अपनी इसी ऊर्जा में आप प्रवेश करेंगे। जब भी मैं कहता हूं कि स्वयं को जानो, तो कुछ मित्र प्रश्न करते हैं कि क्या मैंने अपने को जान लिया है? अगर जान लिया है तो बताओ कि आप कौन हो। मुझे पूछते हैं कि मैं बताऊं कि मैं कौन हूं। ऐसा प्रश्न केवल तब तक ही पैदा हो सकता है जब तक आप स्वयं को जान नहीं लेते। जैसे ही जान जाते हो तो यह प्रश्न बिल्कुल ही व्यर्थ हो जाता है। क्या कह पाओगे, क्या बता पाओगे?
ये भी ठीक वैसा ही है कि कैसेट से गाने को बाहर निकाल कर देखो। बस इतना ही कहा जा सकता है कि मैं कोई भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं केवल एक ऊर्जा हूं। मैं हमेशा एक गहरे भाव में रहकर आपसे बोलता हूं, तो बहुत बार कभी बुद्ध की कोई बात, तो कभी कोई पुराणों की बात, या फिर किसी और बुद्ध पुरुष की कही कोई बात बीच में आ ही जाती है। तो कुछ मित्र कहते हैं कि आपने फलां व्यक्ति की बात की, फिर उसका नाम क्यों नहीं लिया। ये वही नासमझ मित्र हैं जो हमेशा ही चूकते रहे। इन्हें क्या कहा जा रहा है उससे अर्थ नहीं है, किसने कहा है, बस इसी में जी रहे हैं। इतने में ही ये अपने को ज्ञानी मानकर बैठ जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि किसने कहा है। ना तो वो पहले कुछ समझ पाए, ना ही अब समझ पाएंगे। आम तो कभी वो खा ही नहीं पाएंगे, बस पेड़ ही गिनते रह जाएंगे। इन सभी को आज मैं बहुत प्रेम पूर्ण होकर ही समझाना चाहता हूं कि छोड़ो इस बेकार की बात को, छोड़ो नाम की बात को। नाम तो कभी मैंने अपना भी नहीं लिया, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी को मेरे नाम का पता चले। उससे व्यर्थ बात और कुछ भी नहीं है, नामों की मैं फिक्र ही नहीं करता। अगर करूं भी तो फिर किस नाम की फिक्र करूं। क्या आप समझते हैं कि जिस नाम से आपको पुकारा जाता है, क्या वही आपका वास्तविक नाम है? ऐसे ऐसे तो आपके लाखों नाम रह चुके हैं, हर जन्म में आपका अलग नाम रहा है, किस नाम को वास्तविक कहेंगे? जैसे ही कोई अपने को ऊर्जा के रूप में जान जाता है तो नाम व्यर्थ हो जाता है। नाम से केवल अहंकार पैदा हो सकता है और कुछ भी नहीं। ऊर्जा का ना कोई रूप है, ना रंग है, ना ही कोई आकार है, उसका कोई नाम नहीं। ऊर्जा अपने शुद्धतम रूप में केवल ऊर्जा है और कुछ भी नहीं। अब एक बात और समझ लेनी जरूरी है, आपकी ऊर्जा और मेरी ऊर्जा, या फिर किसी जीव जंतु, किसी पेड़ पौधे की ऊर्जा, क्या ये भिन्न भिन्न है, क्या ये अलग अलग है? अगर हम व्यक्तियों की बात ही करें तो संसार में 700 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, तो क्या 700 करोड़ ऊर्जाएं हैं? ध्यान रहे, अभी अस्तित्व की बाकी समस्त ऊर्जा को मैं छोड़कर चल रहा हूं, जबकि हम जान रहे हैं कि जीव जंतुओं में भी, यहां तक के पत्थर तक में भी एक ऊर्जा है। क्या इतनी ऊर्जाएं हैं? और फिर अगर ऊर्जा ही परमात्मा है तो क्या इतने परमात्मा विराजमान है? नहीं, ऊर्जा केवल एक ही है, समस्त प्राणियों में, समस्त वस्तुओं में वही ऊर्जा है, वो अलग अलग नहीं है। जैसे बिजली को देखें, बिजली से पंखा भी चल रहा है और लाइट भी चल रही है, बिजली से हीटर गर्मी दे रहा है और एसी ठंडक दे रहा है। ये सभी बिजली के उपकरण बिजली के बिना अपनी मृत अवस्था में है। अगर बिजली नहीं है तो ये सभी बेकार हैं, एक तरीके से मरे हुए हैं। बिजली ही इनका प्राण है, यानी कि बिजली ऊर्जा है। अब अगर पंखा समझे कि उसकी बिजली अलग, और बल्ब समझे कि उसकी बिजली अलग, बिजली एक ही है, ऊर्जा अलग अलग नहीं, नहीं हो सकती है। ऊर्जा एक ही है, सबके भीतर वही ऊर्जा मौजूद है, परमात्मा की ऊर्जा। आपके हाथ में है आप कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपने को ऊर्जा जान पाते हैं, तभी
आप अपने को समझ पाते हैं, फिर आपकी ऊर्जा और दूसरों की ऊर्जा को भी देख पाते हैं। एक ही ऊर्जा दिखाई पड़ती है। जब आप और सृष्टि अलग नहीं, सब कुछ जुड़ा हुआ है, जब पहली बार आपको वास्तविक अनुभव होता है कि आप और सृष्टि अलग नहीं है, लहर और सागर अलग नहीं है, जब भी आपको पहली बार ये वास्तविक अनुभव होता है कि ऊर्जा न कभी जन्मती है और ना ही कभी मरती है। साइंस भी यही कहती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को पैदा किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है, केवल इसके रूप को बदला जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है। जब आप इसे जान पाते हैं तो आप जैसे चाहें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सब कुछ आपके हाथ में ही है, फिर आप ही परमात्मा हैं। जो परमात्मा की शक्तियां हैं वो सब अब आपके पास है। यहां भी एक बात समझनी बहुत जरूरी है, जब आप परमात्मा को किसी इंसान के रूप में देखने लगते हैं, किसी इंसान जैसी कल्पना कर लेते हैं, तभी सब कुछ गलत हो जाता है। तभी तो आपकी पूजा पाठ, आपकी आराधना और आपकी उल्टी सीधी प्रार्थनाएं, जिनमें आप न जाने क्या क्या अपने लिए मांगते हैं, ये सब बकवास यहीं से शुरू होती है। केवल इसलिए क्योंकि आप परमात्मा को ठीक से जान नहीं पा रहे। परमात्मा एक एनर्जी है, एक नियम है, जिस पर आपकी पूजा पाठ का कोई असर नहीं होता। वो नियम जब आपको समझ आता है तो पहली बार आप नियम के साथ हो जाते हैं। नियम के साथ हो जाना ही, नियम के अंदर आ जाना ही आपका परमात्मा हो जाना है, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना है। अब परमात्मा और आप दो नहीं हैं, अब दूसरे और आप भी दो नहीं हैं। इसी को अद्वैत कहा गया है, जहां दो नहीं बचते, जब सब कुछ एक ही है, केवल ऊर्जा, केवल एनर्जी। आपको इतना कुछ समझाने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार आप आज के ध्यान से चूक नहीं जाएं, आप अपनी ऊर्जा को पहचान पाएं। आपके दुख और सुख आप ही निर्मित करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि सब शक्तियां आपके ही पास हैं। आज के ध्यान के संगीत में मैं आपके साथ रहूंगा। किसी आरामदायक स्थान पर शांत बैठ जाएं, कमर को सीधा रखें। अगर इसमें कोई असुविधा महसूस हो तो जैसे सुविधा महसूस हो वैसे ही बैठ जाएं या फिर लेट जाएं, जैसे भी आपको सहज हो। ज्यादा अच्छा है कि कमर सीधी रख के आप बैठ जाएं। अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें और ईयरफोन का इस्तेमाल करें, ताकि बाहर की आवाजें आपके ध्यान को प्रभावित ना कर सके। पूरी तरह सजग हो जाएं। महीन से महीन आवाज सुनने के लिए अपने कानों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। आज के ध्यान को हम मौन के स्वर से ही शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे एक हवा की आवाज से, एक ब्रह्मांड की आवाज से संगीत शुरू होगा, जैसे वर्षा की बारीक बारीक बूंदें आप पर गिर रहे हैं। अपनी श्वास को धीमा रखें लेकिन गहरा करते जाएं। संगीत में पूरा डूब जाना है। धीरे धीरे
आपको अपना शरीर भूलने लगेगा। कम से कम 10 से 12 बार ये ध्यान आप मेरे साथ रहकर करें, फिर आप इसे अकेले भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप इसकी ऑडियो अपने व्हाट्सएप पर मंगवा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए आप ध्यान में प्रवेश करते हैं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। श्वास को श्वास को धीमा रखिए, बिल्कुल धीमा। पूरा ध्यान कानों पर। बारीक से बारीक अनंत की वर्षा की बूंदों की आवाज के साथ एक हो जाए। चारों तरफ आकाश का फैलाव है। ऐसा भाव रखें
जैसे कि आप भारहीन हो रहे हैं। आपका कोई भार नहीं है। एक विशाल शून्य को अनुभव करें। श्वास को धीमा रखें, सांस को गहरा होने दें। अपने भीतर होश को जगाए रखें, होश से भर जाए। अपने भीतर देखें, देखें कि वो कौन है, वो कौन है आपके भीतर जो ध्यान कर रहा है। अपनी ऊर्जा को पहचानने की कोशिश करें। अपनी सांस पर ध्यान रखें। श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। जब श्वास अंदर आए तो देखें कि जीवन अंदर आ रहा है। जब श्वास बाहर जाए तो देखें कि जीवन बाहर जा रहा है। श्वास को धीमा और गहरा रखें। संगीत में जो भी अति महीन स्वर हैं, जो बहुत धीमी आवाजें हैं, उन पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। आनंद की वर्षा की बूंदों को अनुभव करें। अपने को पूरी तरह से प्रकृति के हवाले छोड़ दें, बिल्कुल ही छोड़ दें। पूरी तरह से असहाय हो जाएं। जैसे हवाएं आपको उड़ाकर ले जा रही हैं, आप पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। अपने को आकाश जैसा अनुभव करें। ऐसा अनुभव करें
जैसे कि पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड आप ही हैं। आप इससे अलग नहीं हैं, आप सारी सृष्टि से जुड़े हैं। आपके भीतर एक गहरी ऊर्जा पैदा हो रही है, उसे ध्यान से देखना शुरू करें। अपनी सांस को धीमा रखें और धीमा, सांस को गहरा करें और गहरा। सृष्टि की ऊर्जा के साथ आपकी ऊर्जा एक हो रही है। ऊर्जा ऊर्जा में घुल गई है। अब केवल कुछ लहरें हैं, आप उन्हीं लहरों के साथ एक हैं। अपने को छोड़ दें, प्रकृति को पूरा समर्पण करें, समर्पित हो जाए। आप अलग और प्रकृति अलग नहीं है। आप प्रकृति के साथ एक हैं, आप ही प्रकृति हैं। आप प्रकृति के साथ पूरे सुरक्षित हैं। अपने पर अपनी पकड़ छोड़ दिए, शून्य में डूब जाए। आप खो रहे हैं, आप विलीन हो रहे हैं। आप एक ऊर्जा बन गए हैं। आप बिल्कुल ही भारहीन हो गए हैं। आपका कोई आकार नहीं है। आपका कोई शरीर नहीं है। आप कहीं भी नहीं है। आप केवल एक ऊर्जा है। आप ऊर्जा है, बस केवल एक ऊर्जा। अहम ब्रह्मास्मि, आप ही ब्रह्म हैं। आप ही हैं, बस आपके सिवाय यहां कोई भी नहीं। आप ही परमात्मा हैं। अपने अंदर अपनी शक्तियों को अनुभव करें।
आप समस्त दुखों से बाहर हैं। आप समस्त सुखों से भी बाहर हैं। सुख और दुख केवल शरीर के हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं। आप केवल एक ऊर्जा हैं। अपने को छोड़ दें, बिल्कुल बेसहारा, आपको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। आप सर्वशक्तिमान हैं। अपने भीतर बहती हुई ऊर्जा को अनुभव करें। आप ऊर्जा हैं, आप शरीर नहीं हैं। आप एक एनर्जी हैं। आप वही एनर्जी हैं जिसे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा आपसे अलग नहीं है, आप ही परमात्मा हैं। आपके अतिरिक्त कोई और परमात्मा नहीं है। अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि। अपने को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आनंद का सागर आपके सामने है। ना यहां कोई सर्दी है, ना ही गर्मी है, केवल आनंद है। पूर्ण आनंद में उतर जाए। श्वास को धीमा और गहरा रखें। हर तरफ से आनंद आप पर बरस रहा है। आनंद
परमानंद को अनुभव करें। जब कुछ नहीं था तब भी आप थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी आप होंगे। आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप ऊर्जा हैं। आप सदा से ही हैं, कभी पैदा हुए हैं ना ही आप कभी मरे हैं। आप शाश्वत हैं। अपने अंदर के अनुभव को जानने की कोशिश करें। आपका जीवन आनंद का सागर है। आप समस्त दुखों से मुक्त हैं। आप समस्त सुखों से भी मुक्त हैं। आप केवल एक आनंद है, ऊर्जा आनंद है, परमानंद है। अपने भीतर गहरे प्रवेश कर जाएं, प्रकृति को, पूरी सृष्टि को अपने ही भीतर अनुभव करें। कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ आपके ही भीतर है। आपके ही भीतर सब है। आपके बाहर कुछ भी नहीं। पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर अनुभव करें। अपने भीतर के आकाश को देखें।
आप एक ऊर्जा है, केवल ऊर्जा। आप शरीर से अतिरिक्त कुछ और हैं। आपके पास अनेकों अनेकों शरीर रहे हैं, लेकिन आप शरीर नहीं। शरीर जन्मता है और मरता है, लेकिन आप नहीं। न आपका कोई जन्म है ना ही मृत्यु। आप जन्म और मृत्यु से बाहर हैं।